हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में 7.4 का पार्ट टू में हम देखने वाले हैं दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर फोर। और आप जानते हो कि क्वेश्चन नंबर टू और थ्री पार्ट वन में हो गया है, जो इंट्रोडक्शन के बेस पे था इसके लिए पहले उसको किया था, और ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन को कवर नहीं किया था स्टूडेंट्स पार्ट वन में। तो चलिए पार्ट टू का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि इन फिगर 7.43, तो ये है आपका फिगर जो टेक्स्ट बुक में है। इसमें ए इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो ए है, और एंगल ए बी सी 45 डिग्री है। तो एंगल ए बी सी बोला है, ए बी सी मतलब मिडल वाला बी, तो ये वाला जो एंगल है वो आपको दिया 45 डिग्री। फिर आगे क्या बोला है कि ए सी इज इक्वल टू 7√2, तो ए सी ये है, और अगर ये 7√2 दिया है इसका मतलब है कि आपको रेडियस दे दिया 7√2, तो आपके पास रेडियस है। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी, तो ये जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हो इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री किया है तो वहाँ पे आपको मालूम है कि हमने वहाँ पे भी सेगमेंट ही फाइंड आउट किया था। लेकिन जब भी जो भी दो क्वेश्चन आपने किया था सेकेंड और थर्ड, उसमें आपको दो चीज़ मिला था, एक तो थीटा का वैल्यू और एक तो रेडियस का वैल्यू, थीटा का वैल्यू और रेडियस का वैल्यू, और आपने फिर एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला यूज़ करके इनके वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया था और एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट किया था। अब क्वेश्चन नंबर वन की बात करेंगे, तो अगर आप 45 डिग्री यहाँ पे देख रहे हो और रेडियस आपको क्लियरली दिख रहा है 7√2, तो ये थीटा है या नहीं है? अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये थीटा नहीं है, क्योंकि थीटा जो भी रहेगा वो सेंट्रल एंगल रहेगा, यहाँ वाला एंगल, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो थीटा रहता है। तो वो मेजर इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, और इसीलिए इस क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट में लिया नहीं गया था स्टूडेंट्स। जिसका मतलब है कि थीटा आपके पास नहीं है, और जब तक थीटा आपके पास नहीं रहेगा, आपका जो फॉर्मूला है सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, उसको वो आपको फ़ायदा नहीं देगा स्टूडेंट्स। तो चलिए थीटा किस तरह फाइंड आउट करेंगे, अगर आपको ये वाला एंगल दिया है तो। तो चलिए इस ट्राइंगल को अगर समझते हैं यहाँ पे, तो ट्राइंगल ए बी सी में आपको एंगल बी का वैल्यू 45 डिग्री दिया है, उसके बाद आपके पास एक भी एंगल नहीं है और आपको ये वाला एंगल चाहिए, एंगल ए चाहिए, सो देट आपको थीटा मिल जाएगा। अब दूसरी बात कि ये जो ए बी देख रहे हो वो यहाँ से यहाँ तक है, जो सर्कल के लिए रेडियस है, और ये जो ए सी आप देख रहे हो ट्राइंगल में वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो भी सर्कल के लिए रेडियस है। इसका मतलब ए बी और ए सी दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है, तो दोनों इक्वल ही रहेंगे, मतलब ये दोनों इक्वल रहेगा। तो आप जानते हो कि कोई भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब अगर इस साइड के सामने 45 डिग्री है तो इसके सामने वाला जो एंगल रहेगा वो भी आपको 45 डिग्री मिलेगा। तो अब आपको ये मिल गया 45 डिग्री, लेकिन आपको फिर भी ये चाहिए स्टूडेंट्स, ये नहीं चाहिए, तो ये 45 आपको मिल गया। तो अब ये क्वेश्चन है कि ये आपको कैसे मिलेगा। तो आप एक चीज़ और जानते हो कि किसी भी टाइप के ट्राइंगल में अगर आप सभी एंगल को प्लस करते हो, तीनों एंगल को, तो आपको मिलता है 180 डिग्री। तो ये कंसेप्ट को लेके आपके पास एक 45 है, दूसरा 45 है, 45 प्लस 45 प्लस ये वाला एंगल, एंगल ए, आपको तीनों को सम करके मिलता है 180। तो इसके बेस पर अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको एंगल ए मिल जाएगा 90, क्योंकि ये 45 प्लस 45 90 है, ये 90 वहाँ पे जाएगा, इससे माइनस होगा तो बचेगा एंगल ए का वैल्यू, वो 90 बचेगा। तो इसका मतलब है कि ये एंगल हो जा रहा है 90 डिग्री। तो अब अगर ये एंगल आपको 90 मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको थीटा मिल गया 90 डिग्री, और रेडियस आपके पास है 7√2। तो अब आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और उसके अंदर ये वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करोगे और फिर कैलकुलेशन करोगे। लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करके बताना ही पड़ेगा, तभी आप आगे जाके डायरेक्टली एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो चलिए ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे देखा है इसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक्चुअल जो हमारा सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने का जो रूल था वो देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में शुरू करेंगे और बताएंगे कि किस तरह आपको ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री मिलेगा। तो आप देखिए मैंने क्या लिखा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर सेगमेंट ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, सेगमेंट ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि उसका रीज़न क्या रहेगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दोनों रेडियस है जो अभी आपने देखा। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल रहेंगे, तो हम यहाँ पे ये भी चीज़ बोलेंगे, देयरफॉर एंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। तो ए बी सी और ए सी बी दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्योंकि यही आइसोसेलेस ट्राइंगल का थियरम है, मतलब जब दो साइड इक्वल होता है तो वो ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, आप जानते हो, तो आप आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम लिख सकते हो। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि दोनों एंगल का जो वैल्यू है वो 45 डिग्री मिल जाएगा, तो ये आपको दोनों एंगल मिल जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप फिर से लोगे ट्राइंगल ए बी सी और बोलोगे उसके अंदर एंगल ए बी सी, ए सी बी और बी ए सी, तीनों एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो आपको 180 मिलेगा, क्योंकि इसका रीज़न है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180।
तो ये जो तीन एंगल है आप देख रहे हो, ए बी सी मतलब बी एंगल, फिर ए सी बी मतलब सी एंगल, और बी ए सी मतलब ए एंगल। ये तीनों एंगल को अगर आप मिलाओगे तो 180 मिलेगा, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। यहाँ पे आपके पास ए बी सी और ए सी बी, ये दोनों जो एंगल है वो 45 डिग्री है, तो आप इनके प्लेस पे लिख दोगे 45 45, और बी ए सी को बी ए सी लिखोगे और 180 को 180 लिखोगे। 45 45 90 मिल जाएगा, तो 90 प्लस बी ए सी विच इज इक्वल 180, और 90 वहाँ पे जाएगा तो 180 से माइनस होएगा और वो भी आपको 90 मिलेगा, तो बी ए सी का वैल्यू आपको मिल जाता है 90 डिग्री। तो यहाँ तक हमने क्या बताया कि ये जो एंगल है वो आपको 90 डिग्री मिला, जिसका मीनिंग है कि आपको थीटा मिल गया 90 डिग्री। तो फिर से अब सब कुछ छोड़ के अब आपको दो चीज़ समझना है कि थीटा अगर आपके पास है और रेडियस अगर आपके पास है और आपसे एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है, तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अब जो आगे आप करोगे ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जैसे हमने किया था वैसा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऐसे ही कि पहले हमने यही लिखा था कि द रेडियस आर ऑफ द सर्कल विच इज AC 7√2 है। तो रेडियस आपको मिल गया, उसके बाद आप ये एंगल थीटा बताओगे, तो आप लिखोगे एंगल BAC जो थीटा रहेगा और वो आपके पास है 90 डिग्री। तो आपके पास रेडियस है, आपके पास थीटा है। फिर अब हम ये जो सेगमेंट है शेडेड पोर्शन, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए आप फॉर्मूला लिखोगे कि एरिया ऑफ द सेगमेंट BXC विच इज इक्वल टू R² π θ / 360 माइनस sin θ / 2। तो चलिए अब इसको फाइनली सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर स्क्वायर के प्लेस पे आप लिखोगे 7√2 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आपके पास 7√2 है। तो ये इक्वल के साइन को सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, आर स्क्वायर के प्लेस पे 7√2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा 7√2 का स्क्वायर, फिर आपको ये ब्रैकेट लिखना है तो ब्रैकेट लिखा, और पाई के प्लेस पे आप क्या लिखोगे 3.14, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आप देखो तो 3.14 लिखा है, तो यहाँ पे पाई के प्लेस पे लिखेंगे 3.14 इंटू थीटा के प्लेस पे आप लिख दोगे 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 अपॉन 360 आप एज इट इज़ लिखोगे, फिर माइनस, फिर साइन थीटा लिखोगे तो यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा अपॉन 2, और फिर ब्रैकेट क्लोज करोगे। फिर आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हो, 0 और 0 कैंसिल हो गया, 9 1 9 और 9 4 36। उसके बाद नीचे वाले स्टेप में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 7 का भी स्क्वायर किया, रूट 2 का भी स्क्वायर किया, तो 7 7 49 हो जाएगा, और √2 × √2 2 मिल जाएगा। आप एक साथ सॉल्व करके भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। उसके बाद 3.14 ऊपर बच रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3.14, और नीचे सिर्फ और सिर्फ 4 बच रहा है, माइनस साइन थीटा, चलिए यहाँ पे साइन 90 लिख लेते हैं पहले वाले स्टेप में, तो आपका एक स्टेप बचेगा, और वो लिखना भी चाहिए क्योंकि फॉर्मूला तो यहाँ पे आपने लिखा है। यहाँ पे अगर आपने थीटा को 90 लिखा, तो यहाँ पे भी आपको साइन थीटा पे साइन 90 लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए, साइन 90 का वैल्यू अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में देखोगे तो आपको 1 मिलेगा, तो आपको इसके प्लेस पे क्या लिखना है, 1 लिखना है, और नीचे डिनोमेटर में क्या है, 2 है, और आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप क्या करिए, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाइए, जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आप 4 लाइए, जिसके लिए आपको 2 × 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपने अगर दो सम्स पहले पार्ट का देखा है तो हमने ऐसे ही किया था, मल्टीप्लाई बाय टू किया था सेम लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ सकते हो कि ये जो लास्ट में 4 है और यहाँ पे जो 4 है, ये 2 के टेबल में कैंसिल होता है, तो ये पूरा जो फ्रैक्शन है वो 2 के टेबल में कैंसिल हो सकता है। अगर आप 2 के टेबल में कैंसिल करते तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो 2 आप करने वाले थे वो उससे आप बच के यहाँ पे 2 से रिड्यूस कर सकते हो। मतलब ये देखिए कि 2 2 4 हो रहा है और पॉइंट के पहले 3 है, तो 2 1 2 होएगा, 1 यहाँ पे आएगा तो ये 11 हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 5 10 करेंगे, फिर 11 से 1 यहाँ पे आया तो 14 होगा, 2 7 14, तो ऊपर बचेगा 1.57 जो 2 के टेबल में आपने कैंसिल किया, तो 3 14 का हाफ हो गया, 3.14 का हाफ हो गया 1.57। इससे फ़ायदा क्या हो गया कि आपको 2 और 2 एक ही बार में मिल गया स्टूडेंट्स। तो अब आगे कैसा करेंगे, ये इक्वल के साइन को सपोज यहाँ पे लिख के 49 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 98, और फिर ब्रैकेट लिखा और 1.57 यहाँ पे लिखा और अपॉन ये 2 लिखा, फिर माइनस लिख के 1 को यहाँ पे लिखा और 2 को यहाँ पे लिखा। अब इसमें अगर आप देखो तो डिनोमीटर सेम है, तो आपको न्यूमीटर में से न्यूमीटर को माइनस करना है बस। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते विच इज़ इक्वल टू 98 और फिर 1.57 माइनस, तो माइनस हो जाएगा 1, फिर अपॉन 2 जो कॉमन ले लोगे आप, मतलब दोनों को मिला के 1 टाइम लिखोगे। 1.57 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो आपको 0.57 मिलेगा। तो नीचे के स्टेप में हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 98 और यहाँ पे लिखोगे आप 0.57
जो इनको सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा और नीचे आ जाएगा 2। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है। तो आप ऐसा लिख सकते हो विच इज़ इक्वल टू, चलिए ऐसा लिखेंगे 98 मल्टीप्लाई बाय 0.57 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे आप 2 से कैंसिल कर सकते हो, तो आप कैंसिल करिए, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18। तो फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, 49 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.57 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करके आपको बता देता हूँ मैं, तो आपको 0.57 को मल्टीप्लाई करना है 49 से, तो 9 7 ज़ा 63, 3 6 कैरी, 9 5 ज़ा 45, 45 और 6 आपको मिल जाएगा 51। तो आप लिख दोगे डायरेक्टली 51, 9 0 ज़ा 0 होगा, आपको लिखना है तो लिख सकते हो। फिर एक प्लेस गया, 7 4 ज़ा या 4 7 ज़ा 28, तो 8 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 और 2 22, तो डायरेक्टली आप 22 लिखिए और 0 ज़ा 0 ही आने वाला है। टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, यहाँ पे आपको 9 मिलेगा, मैं थोड़ा इस तरफ लिख रहा हूँ, 5 प्लस 2 आपको 7 मिलेगा और यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, और 2 के बाद पॉइंट है तो आपको 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे पुट करना है, मतलब 27.93 आपको मिलता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप टेक्स्ट बुक के पीछे देखते हो तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिल रहा है 3.72, जबकि आपको यहाँ पे मिल रहा है 27.93। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो एक्चुअल क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, जहाँ पे जहाँ पे एंगल 45 डिग्री आपको ABC दिया है, अगर इसके अकॉर्डिंगली करेंगे जैसा टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है तो ये आंसर आएगा, और अगर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में मिस्टेक है, वो 45 यहाँ पे आने की जगह पे अगर यहाँ पे आ रहा है, थीटा 45 बन रहा है अगर, तो आपको वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.72 3.92 ऐसा मिलेगा स्टूडेंट्स। तो आप इस वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करते हो कि सर 45 जो यहाँ पे है वो 45 यहाँ पे लेके आप एक बार सॉल्व करके बताइए, तो इसके नेक्स्ट वाले लास्ट पार्ट में हम थीटा को 45 ले लेंगे यहाँ से हटा के यहाँ पे करके, और फिर उसको भी एक बार सॉल्व करके आपको बताऊँगा कि जो पीछे जो 3.72 है इसके जैसा जो आंसर है वो कैसे मिलेगा। तो बस आप फिलहाल यही समझिए कि ये जो आंसर है वो वहाँ पे 45 इधर यहाँ पे ले लिया, थीटा को ले लिया, और एक्चुअल में क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पे 45 दिया, जिसके बेस पे आपको आंसर यही मिलना चाहिए 27.93। तो चलिए फिलहाल ये करेंगे, आप कमेंट करके बताइए अगर आपको ये वाला आंसर वाला या ये थीटा लेके आपको चाहिए। तो चलिए यहाँ पे फाइनली हम क्या करेंगे, 27.93 मिला है तो हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको मिला है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो लास्ट में फाइनली आपको आंसर में लिखना है, देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट BXC विच इज़ इक्वल टू 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, इसके बाद फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा कि इन द फिगर 7.46, मतलब इस फिगर में इफ़ O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इस सर्कल का सेंटर O है, PQ इज़ अ कॉर्ड और PQ एक कॉर्ड है और एंगल POQ 90 डिग्री है, तो एंगल POQ ये 90 है। तो जब भी सेंट्रल एंगल आपको मिलता है तो आपको थीटा मिल गया स्टूडेंट्स, और अगर सेंट्रल एंगल नहीं मिला है तो यहाँ पे कर दिया जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, तो आपको थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। और टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है, अगर बोर्ड एग्जाम में किसी क्वेश्चन पे अगर आपको मिस्टेक, अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग आ जाता है तो आपको उसका फिक्र करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, आप उसको अटेम्प्ट करिए, आपका जो भी आंसर आएगा अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मिस्टेक है पर वहाँ पे ऐसा जो भी मिस्टेक है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि आपको थीटा तो मिल गया 90 डिग्री, फिर आगे क्या लिखा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बार क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, अभी तक जितना सम्स आपने किया जहाँ पे आपको एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट पूछा जाता था वहाँ इस बार आपको उसका एरिया दे दिया है। ये ब्लू जो आप शेड देख रहे हो उसका पूरा वैल्यू है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब अगर आपको थीटा दे दिया है और आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन दे दिया है तो कुछ और पूछेगा ना स्टूडेंट्स, तो आपसे पूछा है रेडियस, इस बार आपसे रेडियस पूछा है, बस ये याद रखिए। फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ आपको आर का वैल्यू फाइंड करना है, पाई का वैल्यू आपको 3.14 लिखा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन विच विल बी एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ और वो आपको दे दिया 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा आपको दे दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिखिए कि एंगल POQ जो रहेगा थीटा जो आपको दिया है 90 डिग्री। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज करेंगे और फिर सेम जो फार्मूला था वैसा फार्मूला अप्लाई करके R का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट का फार्मूला सपोज लिखा और अब इसको अरेंज करेंगे। यहाँ तक तो आपका प्रीवियस स्टेप कई जैसा था, सिर्फ यहाँ पे एक नया चीज़ किया, जहाँ पे आप रेडियस लिखते थे वहाँ पे आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन दिया तो आपने वो लिखा है। तो चलिए इसको करते हैं, फिर यहाँ पे हम इस बार क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट का वैल्यू आपके पास 114 है तो इक्वल के लेफ्ट साइड से शुरुआत करेंगे, लेफ्ट साइड के जगह पे हम लिखेंगे 114। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर
ये आ जाएगा 114 इसके प्लेस पे, क्योंकि इसका वैल्यू है आपके पास, तो 114 फिर विच इज़ इक्वल टू, फिर आएगा आर स्क्वायर, तो आप लिखोगे आर स्क्वायर, क्योंकि आर का वैल्यू इस बार आपके पास नहीं है और वही आपको फाइंड आउट करना है। फिर आएगा ब्रैकेट, तो आप यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट, पाई के प्लेस पे 3.14 लिखना है तो आप पाई के प्लेस पे लिखोगे 3.14 इनटू थीटा के प्लेस पे आ जाएगा 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 90, फिर अपॉन 360, फिर माइनस साइन थीटा है तो आपको लिखना पड़ेगा साइन 90 अपॉन 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और ब्रैकेट क्लोज होएगा। फिर से इसको कैंसिल कर सकते हो आप, तो कैंसिल करते हैं, ये 0 और ये 0 गया, 9 1 9 4 36। फिर उसके बाद फर्दर जो कैंसिलेशन है नीचे करेंगे, तो हम लिखेंगे देयर फोर 114 विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर और फिर ब्रैकेट आ जाएगा और 3 यहाँ पे आएगा 3.14 अपॉन 4 ये वाला, फिर माइनस साइन 90 के प्लेस पे आप लिखोगे 1 फिर अपॉन 2 क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और यहाँ पे आएगा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे फिर से आप पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो यहाँ पे कैंसिल करते हैं 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, एक बचेगा इधर आएगा, 2 5 ज़ा 10, एक बचेगा यहाँ पे आएगा, 2 7 ज़ा 14 और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो 114 विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। और इस बार क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 सेम है, तो आप उसको वन टाइम लिख दीजिए यहाँ पे और ऊपर मिलेगा आपको 1.57 और फिर माइनस और ये 1 पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.57, तो वो यहाँ पे लिखते हैं, तो लिखते हैं देयर फोर 114 विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर और फिर आएगा 1.57 में से 1 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.57 अपॉन 2, तो आप लिखोगे देयर फोर 114 विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.57 अपॉन 2, तो यह ऐसा हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, सिंस आपको आर स्क्वायर चाहिए तो ये 2 को आप यहाँ पे भेजोगे, तो आप ऐसा लिखोगे देयर फोर 114 यहाँ पे रहेगा और इक्वल का साइन सपोज यहाँ पे है, तो 114 लेफ्ट साइड में है, 2 आर स्क्वायर के साथ डिवाइड हुआ है, यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 114 के साथ और 0.57 यहाँ पे आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा 0.57 और यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर यहाँ पे बचा है, ये मल्टीप्लाई था तो इस तरफ आया तो डिवाइड हो गया और ये डिवाइड था इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, जहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है ये 0.57 है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, पॉइंट के बाद दो प्लेस वाला दो प्लेस है तो दो जीरो वाले 100 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपका ये पॉइंट हट जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे देयर फोर और यहाँ पे ऐसा लिखेंगे 114 इंटू 2 अपॉन 0.57 और दोनों को क्या करेंगे 100 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 57 मिलेगा, ये पॉइंट हट जाएगा और यहाँ पे 100 एज इट इज़ रहेगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि देयर फोर 114 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 57 और विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर, तो 57 के टेबल में जाएगा 114 टू ज़ा, तो 57 वन ज़ा 57 टू ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 इंटू 100 400, तो आर स्क्वायर जो है ये आपको मिलता है 400, तो देयरफॉर आर का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो 400 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 20 20 ज़ा, तो देयरफॉर फाइनली आपको आर का जो वैल्यू है वो मिलता है 20 और सिंस सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था तो ये मिलेगा सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर मिलेगा, तो आपको लास्ट में फाइनली लिखना है देयरफॉर रेडियस ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो इतना करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए बस इतना ही इस वीडियो में, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।